बैनुल अक्वामी खबरों में बात करते हैं भारत की, जहां पर बीवी ने बेवफा शौहर को ऐसी फेंटी लगाई कि उसे नानी याद आ गई। उम्मीद है कि इस सलूक के बाद वो किसी बेचारी लड़की को सहारा देने की कोशिश नहीं करेगा। आइए देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ये भारतीय पंजाब के शहर जलंधर की कहानी है, जहां मोना सिंह को शक था कि उसके पति विशाल चुपड़ियां और दो दो खा रहे हैं, लेकिन इस शक की तस्दीक ना हो पा रही थी। एक रोज पति साहब एक जवान लड़की को घर ले आए और कहा कि ये बेचारी इसके दफ्तर में काम करती है और जालिम वालिदैन इसकी शादी करना चाहते हैं जबकि ये पढ़ना चाहती है। जब बीवी इस जवान मुसीबत को घर में रखने पर राजी ना हुई तो शौहर ने उसे किसी दूसरी जगह घर किराए पर ले दिया। बीवी के मुखबर ने उसे पक्की रिपोर्ट दी तो उसने अपने भाइयों के साथ छापा मारा और पति साहब उसी बेचारी लड़की आरती के साथ पकड़े गए। बस फिर क्या था, सब ने आओ देखा ना ताओ जूतों से दोनों की पिटाई शुरू कर दी। इस चित्रौल में बेचारी लड़की चीखती रही, आरती से बात हुई तो उसने बताया कि ये लड़ाई विशाल और मोना सिंह की आपसी लड़ाई है। इस इबरत अंगेज वाकये में एक अच्छी बात ये हुई कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, यानी जान बची सो लाखों पाए।